हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, NPCIL में आप लोगों की जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो वैकेंसी निकली हुई, इसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की 200 वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ 200 वैकेंसी निकली हुई। सैलरी बहुत अच्छी है, और कब से इसकी ऑनलाइन अप्लाई होनी है और कौन कौन सी क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे आप लोग को इसके आगे की जानकारी पूरी डिटेल में आप लोगों को जो है अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैं NPCIL की जो है वेबसाइट है, इसका वेब पेज ओपन कर रखा है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके इस पे आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे आप लोग को एडवर्टाइजमेंट के पास, जी हाँ एडवर्टाइजमेंट के पास की क्या है इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं। मैंने PDF आप लोग के लिए ओपन कर दिया है। तो लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 2 अप्रैल, जी हाँ 2 अप्रैल 2020 रहने वाली है। और इसके जो ऑनलाइन अप्लाई होंगे वो होंगे आप लोग के 24 मार्च से, जी हाँ 24 मार्च से इससे आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर NPCIL डेट दिस, ठीक है, डिक्लेयर NPCIL टू इंडक्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिविल एंड इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी डिसिप्लिन, इन सभी में से किसी भी आप लोग डिसिप्लिन में, और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट बाय गेट स्कोर। तो आप लोग जो है गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, जी हाँ आप लोग गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, और इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे की डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। तो इसमें आप लोग को बता रखा है, जो आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जी हाँ जो आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मीन्स इस पोस्ट के लिए आप लोग जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, वो आप लोग इंटरव्यू बेस पे आप लोगों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और वैलिड गेट स्कोर, जी हाँ वैलिड गेट स्कोर आप लोग के पास होना चाहिए। और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट जो है आप लोग को 2018, 2019 और 2020 का ही गेट होना चाहिए, आप लोग गेट पास आउट होना चाहिए, इससे पहले का जो गेट पास आउट हो आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जी हाँ। तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो गेट के बेस पे होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग की जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो गेट के मार्क्स के अनुसार की जाएगी। इसके बाद आप लोग को जो है जितने बच्चों को बुलाना होगा आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आप लोग पास होने के बाद ही आप लोग इस विभाग में जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे अप्लाई आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग को डेट दे रखी है 24/3/2020 ऑनलाइन अप्लाई की, और लास्ट डेट जो है इसकी 2/4/2020 है, तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई होने वाले। इसके बाद जो वैकेंसी है, वैकेंसी की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे रखी है, करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है। टोटल जो है आप लोग की 200 वैकेंसी है, और किस डिसिप्लिन में और कैटेगरी वाइज आप लोग क्या वैकेंसी यहाँ पे शो कर रखी है, मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिविल इंडस्ट्रियल फायर सर्विस, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है, ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसकी अप्लाई करेंगे, इसके PDF पर लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, ठीक है आप लोग, तो इसमें आप लोग को भी जो छूट वगैरह है, ठीक है। और इसके अलावा SC ST OBC को क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट जैसे मैं आप लोग को बता दी है, 24 मार्च में इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे, और 2 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस में आप लोग को बता दूं, नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज आप लोग को यहाँ पे देने हैं। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट हैं जनरल EWS एंड OBC के, जी हाँ, और फीमेल कैंडिडेट और बिलोंग टू SC ST कैटेगरी PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किंडल एक्शन, ठीक है, डिप्लोमेट एंड आर एग्जाम, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, जी हाँ। फीमेल एप्लीकेंट्स और जो एप्लीकेंट बिलोंग करते हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और इसके बाद जो बारी आती है वो एलिजिबिलिटी की आती है, तो मैं आप लोग को बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें आप लोग जो है BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग में, या फिर आप लोगों ने कर रखा हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTEC विद ए मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क आप लोग के पास होने चाहिए इन 7 इंजीनियरिंग में, जी हाँ 7 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICT और UGC से, ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आप लोग के होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट 2018 गेट 2019 और गेट 2020 में, ठीक है, इससे पहले का आप लोग का नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं तो गेट 2019 मैकेनिकल एंड केमिकल डिसिप्लिन विथ इंजीनियरिंग डिग्री इन टेबल बिलो, ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग को नीचे दे रखी है।
आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस किस डिसिप्लिन में आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है और कौन कौन सी इंजीनियरिंग आप लोग के लिए अलाउ है, ठीक है। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो आप लोग आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, ठीक है। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट, सिविल और फायर सेफ्टी में, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़ लेंगे, पूरी डिटेल में पीडीएफ में दी हुई है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो इंटीग्रेटेड एमटेक वगैरह कर रखा है इसकी डिटेल दे रखी है, पूरी कोर्स की डिटेल। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो एज, एज में आप लोग को बता दो, यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग की 26 ईयर एज होनी चाहिए, और यानी कि आप लोग की जो बर्थ है वो 2/4/1994 से पहले की होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो आप लोग को जो है 3 साल की इसमें छूट मिलेगी, यानी कि 29 तक आप लोग की एज चल जाएगी, जो कि 2/4 यानी कि आपका जो बर्थ है वो 2/4/1991 से पहले का होना चाहिए। इसी प्रकार से एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, ठीक है, और जनरल में आते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी जो उनको छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई, ठीक है। आप लोग जिस कैटेगरी में आते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के जो अंडर जनरल कैंडिडेट है वो 26 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग वगैरह है, ट्रेनिंग वगैरह आप लोग को ट्रेनिंग की डिटेल वगैरह दे रखी है, जी हाँ, कहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग होनी है, न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर एनटीसी, ठीक है, और लाइट वाटर रिसोर्स के बारे में, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में आप लोग को बता दूं, जो इसका जो प्लेसमेंट होना है ये आप लोग का एनपीसीएल एग्जीक्यूटिव प्लांट इन डीई एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में, आप लोग का जो है ऑल ओवर इंडिया इसमें पोस्टिंग होगी, जो कि डीएई एस्टेब्लिशमेंट जो भी होंगे आप लोग के, ठीक है, एनपीसीएल के ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप लोग को जो प्लेसमेंट दी जा सकती है इसमें। और इसमें स्टिपेंड में आप लोग को बता दूं, जो मंथली स्टिपेंड आप लोग को मिलने वाली है वो आप लोग की 55,000 ही, और वन टाइम बुक अलाउंस वगैरह भी मिलेगा आप लोग को 18,000 का, ठीक है। तो पे ऑन अपॉइंटमेंट में आप लोग को जो पे मिलेगी वो साइंटिफिक ऑफिसर सी लेवल 10 की जो आप लोग की जो लेवल होगी, ठीक है, उसमें आप लोग को जो सैलरी मिलेगी वो होगी 56,100 रुपए, जी हाँ। तो सैलरी जैसा मैंने आप लोग को बताया बहुत ही अच्छी सैलरी है, इसके अलावा अलाउंसेस है, ठीक है, एम्प्लॉई बेनिफिट्स वगैरह, इंसेंटिव वगैरह, लोन वगैरह, रिटायरमेंट, सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बॉन्ड वगैरह जो होगा आप लोग कितने का देना है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो भी आप लोग का गेट का स्कोर होगा उसके हिसाब से आप लोग को जो है यहाँ पे छांटा जाएगा, मीन स्क्रीनिंग की जाएगी, जो रेशो होगा वो होगा 1.12 का, उसके बाद आप लोग को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद ही फिर आप लोग को जो है प्लेसमेंट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया एनपीसीआईएल के जहां भी जैसे भी ब्रांच होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है कि एनपीसीएल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकली है इसमें किस तरीके से आप लोग क्या क्या स्कोर है, इसका आप लोग डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। गेट 2018-2019-2020 आप लोग के पास जरूर होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आप लोग को डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने इसकी जानकारी भी दी हुई है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड स्कूलिंग ड्राइविंग सर्टिफिकेट वगैरह, क्वालिफिकेशन की पूरी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को लेके जानी है, ठीक है, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, आप लोग पढ़ लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होते बताइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी वगैरह से आते हैं तो, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर अपेयरिंग ऑफ इंटरव्यू वगैरह के लिए, ठीक है, इसकी भी डिटेल यहाँ पे दी है। मेडिकल फिटनेस वगैरह तो पूरी जांच आप लोग पढ़ लेंगे। हाउ टू अप्लाई में मैं आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होगा मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोगों को भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो कुल मिला के मैंने एनपीसीआईएल में आप लोग को एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जो वैकेंसी पूरी जानकारी दे दी है। बट अभी मैं जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लीजिएगा, और यदि ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।